नाज़रीन, आप हमारा ड्रामा सीरियल देख रहे हैं मूवी किसी मोड़ पे। ड्रामा क्लाइमैक्स से भरपूर है, तो चलते हैं तीसरी किस्त की तरफ, मूवी किसी मोड़ पे। कैसी थी शादी? पता है क्या मैं सोच रही हूँ कि जब तुम आओगी तो मैं तुमसे कहूंगी कि बस अब तुम जल्दी से शादी की तैयारी करो। मैं बहुत जल्द हसन की बारात लेके तुम्हारे घर आने वाली हूँ। क्या हुआ? हसन कहाँ है? क्या हुआ? हसन कहाँ है? कुछ बोलो सानिया, कुछ बोलो, मुझे दहशत हो रही है। बाहर गाड़ी में तुमने तो मुझे डरा दिया। तो है कहाँ आया कि आके नहीं रहे? आप नहीं समझेंगे। अरे ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझूंगी? ओके फाइन, तुम दोनों की लड़ाई होगी। हाँ तो फिर जी, जी हसन ने शादी कर ली। तुम सही कह रही हो, मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ। तुम मजाक कर रही हो। मुझे उसका कोई कसूर नहीं है, वो सारी कहानी बता रही कि क्या हुआ है। उस पर देखिएगा वो कमाल के एक्सप्रेशन डालने जाती है, क्योंकि मांग रहा हूँ अदा करने में कि बेहतरीन अदाकार आती है, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन इंसान भी। सानिया क्या कह रही है? सानिया ठीक कह रही है, मैंने वही किया जो क्या क्या किया। मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा बेटा जिस शादी पे जाने के लिए तैयार नहीं था वो वहां से अपना निकाह पढ़वा कर आ गया। शायद बल्कि यकीनन अच्छा हुआ जो मैं चला गया। बकवास, सब बकवास, मैं नहीं मानती। मैं इस शादी को शादी नहीं मानती हूँ। कहाँ है वो लड़की? वो लड़की जिसे हम में से किसी ने देखा तक नहीं है। हाँ, मेरी बहू कहाँ है वो? ड्रामेटिक सीन में
दुल्हन आने वाली है और माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही उस चीज को। ये दोनों मोहब्बत करने वाले अचानक एक नई लड़की बीच में आ गई और अचानक शादी हो गई। एक्सेप्ट नहीं कर रहा माँ ने, चली गई वो। बिचारी लेने जा रही उल्टी दुल्हन को लेकर आ रही। ये एंट्री हो गई दुल्हन की, देखें अब आगे क्या ड्रामेटिक सीन आते हैं। तब तक तो बड़ा ड्रामेटिक चल रहा है। मैं अलीजे हूँ, हसन भाई की बहन। कमरे में आ गई है दुल्हन, ना सजा हुआ है ना कुछ। अचानक की शादी में तो यही होता रहा है। मुझे तो भूख लग रही है, आप लोगों में से कोई कुछ खाएगा? सॉरी नीरा, ये वो अरेंजमेंट्स तो नहीं है जो वेडिंग नाइट पे नई नवेली दुल्हन के लिए होने चाहिए। ऑफ कोर्स सिवाय हसन के। बड़ी अजीब बातों ने बढ़ाई है। मैं जरा बीजी के कमरे से होकर आ। सॉरी सानिया, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। तुम मेरे दोस्त हो और बहुत कुछ। आज तुमने जो कुछ भी किया, जैसे किया, मुझे तुम पर फख्र है। मैं तुम्हारे साथ हूं, नीरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बात तो पुरानी है मगर वाकई जोड़े कहीं बहुत दूर आसमानों में बनते हैं। तुम बाबा की उस परेशान ना हो, मेरी अभी वृद्धा से मोबाइल पर बात हुई थी, वो ठीक है। एक बात बताओ, डॉक्टर साहब इतने समझदार आदमी है, फिर ऐसे आदमी की बारात तुम्हारे लिए क्यों आई थी? ये तो दिल गर्म आंसू में बह गए। नो थैंक यू, मैं ठीक हूं, आप सो जाइए। नाजिक माँ ने तो एक्सेप्ट नहीं करा बहू को, आसाती बहू को। हाँ बता, जो दोस्त का रोल अदा कर रही है शाजिद का, उन्होंने जरूर बुला सदियर अपने दोस्त को भी कहा हम तुम्हारी हमेशा अच्छी दोस्त बनके रहूँगी। तो चौथी किस्त का इंतजार कीजिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।